हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और हमारे चैनल काव्य मीन्स गुमला झारखंड में आपका स्वागत है। और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सेकेंड हाफ में, और अभी आफ्टरनून हो गया है। तो आज मैं थोड़ा टाउन चली गई थी, और अकेले चलने के कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ टाउन में भी, क्योंकि मैं स्कूटी लेके जाती हूँ ना, तो फिर स्कूटी में बनता नहीं है। और जब स्टोर पे होती हूँ उसमें बिजी हो जाती हूँ, क्या चीज़ के लिए गई हूँ वो चीज़, तो फ़ोन नहीं निकाल पाती मैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये बाइक्स, तो ये बाइक ब्लू वाला, ये काव्या का है और ये काव्यांश का है। तो इसमें का ये जिप खराब हो गया था, ये मैंने सारा जीप इसका चेंज कराया, सारा इसमें का सारा चीज मैंने चेंज कराया। और वैसे तो ये जो बैग है ये ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। ये मैंने दुकान तो दुकान से ही लिया था, लेकिन ये हमको मिला था 200 रुपीज़ में वन पीस। आप लोग देख सकते हैं 200 रुपीज़ में मैं सही ली या महंगा ली उसको मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग देख के बता सकते हो कि मैं महंगा ली कि सस्ता। तो ये था, इसमें लिखा हुआ है अमेरिका, क्या बोलते हैं, टूरिस्ट है। ये वाला भी इसमें का सेम ही प्रॉब्लम, इसका जीप की मतलब अच्छा नहीं रहता, तो मैंने भी इसमें सारा जीप अभी चेंज कर दिया है। उसके बाद में ये अभी तो ठीक ही चल रहा है, लेकिन बच्चों के हाथ में जाने के बाद में क्या होता है उस पता नहीं चलता है। और मैंने आज काजल लगाया था मैं, तो काला काला दिख रहा है। वैसे मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन तो आँख चुभने जैसे लगा ना, तो मैं लगा दी। और घर आ गई मैं, और मैंने कुछ चीज़ लिया है ऐसे तो मैं मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, थोड़ी से मेकअप किट वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। यही रूम में चले जाते हैं हम लोग, इस रूम में अच्छा लाइट आता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मार्केट से क्या ली हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये पॉन्ड्स, ये है कितने का, यहाँ इसका रेट लिखा है 49 रुपया, 49 रुपया का हमको ये मिला। और इसमें कितने ग्राम्स हैं, यहाँ दिया है 100, कुछ नहीं दिया। बस तो मैं ये फोन नहीं लगाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे लोग रोज स्कूल जाते हैं ना, तो इस वजह से उनकी स्किन के लिए चाहिए, तो मैं ये भी ये लगा रही हूँ।
थोड़ा सा है इसमें, पता नहीं मुझे खुला वाला दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए गाइस, देखिए खराब वाला मुझे दिया है दुकानदार को, मैं जाके बोलूँ आप लोग खरीदते हैं तो आप लोगों को पता होगा ना किस तरह का होता होगा। मैं ये फोन्स पहली बार खरीदी और देख रहे इस तरह से ट्राई खराब हुआ है। इसलिए मैं दूसरा दुकान से नहीं खरीदती हूँ, लेकिन खरीदती हूँ इतना खास नहीं है। और मैंने ये लिया है लिपस्टिक सस्ता में, 10 रुपये का, 10 रुपये का है, मैंने 3 लिया। तो मैं आप लोगों को इसके में दिखाऊंगी कौन सा कलर है, आप लोग देख पा रहे होंगे ऑरेंज। पिंक है, ये पिंक था, रेड ऑरेंज आ रही है, ऑरेंज इस तरीके से। 10-10 रुपये मेरी बेटी खेलती है। तो हम लोग अब जा रहे हैं बुढ़ी यात्रा मनाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं काव्या और हम जा रहे हैं। तो मैं अब आपको वही कैमरा से कैमरे को दिखाती हूँ, चलो आइए अभी। तो गाइस यहाँ पर यहाँ पर काव्या शहर काव्या रोटी खा रहे हैं। तो इस त्योहार में स्पेशल रोटी बनता है जिसको हम लोग पत्ते में और लोग दिखा रहे हैं किस तरह से लोग पत्ते में बनाए हैं। वही बहुत ही टेस्टी लगता है ये रोटी। तो मसाला बन पड़ेगा तो मैं भी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से ये रोटी बनाया जाता है। और हम लोग भाषा में इसको ढोकरी लड्डू कहते हैं। ये देखिए काव्यांश का है किस तरह से लोग टेस्टी टेस्टी खा रहा है। और ये क्लिप बच्चों ने लिया था तो इस वजह से ज़्यादा हिल रहा है, तो मानने की जगह। और यहाँ पर देखिए जो है हम लोग यहाँ पर गए थे तो वहाँ का बच्चा वो भी खा रहा है। और मैं ये हम लोग दूसरी जगह नहीं गए हैं कहीं, और जहाँ हम लोग रेंट करते थे वहीं पर हम लोग ले गए थे, तो वहीं पर हम लोग गए हैं और वहीं पर हम लोगों को रोटी मिल रहा है। तो हम लोग रोटी खा लिए। तो दोस्तों हम लोग फाइनली घर लौट गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे लोग खेल रहे हैं, कमरा लोग खेल रहा है। मेरा बोर्ड, मम्मी मेरा बोर्ड। आप कहाँ रखी हो बेटा? आप कहाँ क्या क्या खाई बेटा? वहाँ क्या क्या खाई बताओ? वहाँ क्या क्या मिला आपको? लाची। और लड्डू नहीं खाए। और क्या नहीं खाए? लड्डू नहीं खाए। क्या मिला था ना? क्या है? हाँ मिला लड्डू चिकन और वो पत्ता वाला रोटी मिला था हम लोग को। अनिमा के लिए बचल कुचल ला दिए हैं ना रे, दिखा अनिमा के रोटी लाया है उसको। आर्यन आर्यन के आर्यन लाया है वहाँ जो मिला अनिमा के लिए वो वाला रोटी लेके आए हम लोग।
इतना ढेर सारा डाल दी रे, तो दे यो। हाँ तो फिर इसमें डाल दी, तो बोल दी खाना दानिमा ये वाला रोटी का। इसके कौन कौन खाया है आप लोग, के लोग खाए हैं ये वाला रोटी, त्योहार में ये वाला रोटी मिला है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला। और ये वाला बना था, और इडली बना था, ढेर सारा मिला है आप लोग देख सकते देखिए इतना सारा, मैं थोड़ी इतना सारा खा नहीं सकती, सबको खा जाऊंगी मैं। देखो पाँच सौ वो वाला मीठा वाला है, ज़्यादा नहीं बना है, इसको डाल दिया हम लोग जुटे रहेंगे। और इसमें मिला है चिकन, इतना यम्मी टेस्टी बना है, बहुत गर्मी लग रहा है। फ्रिज में पानी रखी है कि नहीं, तो मैं फ्रिज वाला पानी पीऊंगी, ठंडा भी नहीं हो सकता है। लड्डू के साथ क्यों खा रही है, अच्छा लग रहा है खाना, पकाई है बोतल से पानी पी। बोल है क्या, काव्या अपना पुराना सड़ल बोल को लेके आई है वहां से, बोल मारेंगे बोल मारेंगे बोल। हाँ अपना ही वो पुराना वाला बोल है जो वहाँ खेलती थी, बाहर है आपका बैग, मैं ला दी थी पकड़ के आधे रास्ते से, आपको दिखाती हूँ गिरा रहा है हमको, देखो मैं यहाँ आते भी नहीं। हाँ डस्टबिन है वो, तो ये रहा आपका बैट, पुराना बैट वहाँ खेल रहे थे वाला। अभी ये बोल बोल खेलेगा अंधेरा में, वहाँ से आके अभी लोग बोल बोल खेल रहे हैं। मैं सबसे पहले अपना साड़ी चेंज करती हूँ, फिर मुझे क्यों आप लोगों को कपड़ा चेंज नहीं करना, क्यों ना? फिर कहीं जाओगे तो डट्टी वाला पहन के जाओगी, तो ये लोग कपड़ा चेंज नहीं करेंगे बोल रहे, मैं कपड़ा चेंज कर जाती हूँ। अंधेरा दिख रहा है, पसीना नहीं जाएगी ऊपर, लोग दौड़ चलेगी। तो गाइस मैं अपना कपड़ा खोल लेती हूँ, बहुत ही गर्मी लग रहा है, मेरा साड़ी लुक कैसे लग रहा है आप लोगों को, मैंने साड़ी पहन के क्या गाइस। और ये देखिए आज का अभी थोड़ा सा क्या लगाया था अपने चेहरे में, लिपस्टिक लगाई थी ना। ठीक मैं ड्रेस चेंज करने के बाद मैं मिलती हूँ, पसीना पसीना लग रहा है। ठीक है दोस्तों मैं।